बच्चों, कैसे हो तुम सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज तुम लोगों का इस सेशन का हिंदी का पहला कक्षा है और पहले कक्षा में हम बसंत भाग वन में से पार्ट वन पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी के वो चिड़िया जो। अच्छा बच्चों, बोलो तो तुम सबको चिड़िया पसंद है ना? हाँ, मुझे भी चिड़िया बहुत पसंद है। हमें चिड़ियों को देखकर बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, यहाँ पर कवि ने चिड़ियों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वो चिड़िया जो। इस कविता की लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। तो हम शुरू करते हैं। वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्ना से बहुत प्यार है। यहाँ पर एक शब्द है, देखो झुंडी, इसका मतलब है ज्वार। इस काव्यांश का अर्थ है, इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वो चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों से, दानों को मतलब ज्वार के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उसको चिड़िया एक चोंच क्या करते हैं, खाते हैं। दानों को बड़े चाव से खाते हैं, मतलब बड़े प्यार से खाते हैं। और उसे अन्न से भी, मुझे अन्न से भी बहुत प्यार है, मतलब चिड़िया को अन्न से भी बहुत प्यार है। फिर अगला पद, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेलकर गा लेती है, वो चिड़िया जो मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने क्या बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठ में से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को ही समर्पित है, मतलब वन को समर, मतलब वो जिस वन में रहती है नीले पंखों वाली चिड़िया, उसके सारे गीत उस वन को ही समर्पित है और उसे एकांत में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो एक शब्द है विजन, उसका अर्थ है एकांत। तो उस चिड़िया को एकांत में रहना पसंद है। फिर अगला पद पढ़ेंगे। वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वो छोटी है लेकिन उसमें बहुत साहस है। वो क्या कर सकती है? नदी के बीच जाकर उस अपने चोंच में, नदी के बीच जाकर पानी के बूंदे भरकर ला सकती है, उसमें इतना साहस है। इसका क्या अर्थ है पता है? इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि
कभी भी कोई भी कठिनाई तुम